नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। सावन के महीने में इन चीजों को घर लाना ना भूले। सात पुश्तों तक पैसों में करेंगी राज। दोस्तों, 100 साल बाद सावन पर बेहद खास संयोग बना है। इस विधि से अगर आप पूजन करेंगे और पूजन में इनको शामिल करेंगे तो आप पर मेहरबान होंगे शिव जी। यह संयोग हर 100 वर्ष में सिर्फ एक बार ही बनता है। वैसे इस बार सावन में 5 सोमवार होने के चलते रोटक व्रत भी लगेगा। भोलेनाथ के भक्त जान लें कि सावन के महीने में 5 सोमवार के व्रत आने पर रोटक व्रत होता है और इसे पूरा करने वालों को भगवान शिव की खास कृपा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के महीने में संपूर्ण सृष्टि का संचालन शिवजी के उग्र रूप रुद्र के हाथ में होता है। 2018 में 28 जुलाई से शुरू होने वाला सावन का महीना 26 अगस्त तक चलेगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सरल और सटीक उपाय बताएंगे। अगर आप सावन के पहले सोमवार को इनको कर लेते हैं तो आप पर भगवान शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होगी आपको और आपके सभी तरह के बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके बारे में। पहला, त्रिशूल। त्रिशूल शिव के हाथों में हमेशा होता है। यह 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अतः सावन मास के प्रथम सोमवार को चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपकी सभी तरह की आपदाओं से रक्षा होगी। रुद्राक्ष सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं या फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गड़वाकर पहनें। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक है। डमरू, यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। सावन मास के प्रथम सोमवार को इसको लाकर रखें और अंतिम दिन किसी बच्चे को यह डमरू उपहार में दे दें। चांदी के नंदी। नंदी शिव जी का गण भी है और वाहन भी है। सावन मास के पहले दिन चांदी के नंदी को घर में लाकर महाभर उसकी पूजा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी तरह के आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे और आप पर भगवान शिव की अपार कृपा बरसेगी। जल पात्र। जल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास के प्रथम सोमवार को गंगा जल लाकर घर में रखें और महाभर इसका पूजन करें। लेकिन अगर यह संभव नहीं हो तो आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लेकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उससे शिव जी का जल अभिषेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की सारी विपदाएं खत्म हो जाएंगी और आप पर भगवान शिव की अपार कृपा बरसेगी। सर्प। भगवान शिव के गले में सर्पराज हर घड़ी रहते हैं। अतः सावन मास के प्रथम सोमवार को चांदी के नाग नागिन के जोड़े को घर में लाकर रखें। हर दिन पूजन करें और सावन के अंतिम दिन उसे किसी शिव मंदिर में ले जाकर रख दें। यह प्रयोग आपको पितृदोष और काल सर्प योग में राहत देता है। चांदी की डिब्बी में भस्म। किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी खरीद कर उसमें लाकर रख दें। महाभर उसे पूजन में शामिल करें और बाद में उसे अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों, बरकत के लिए और पैसों की बढ़ोतरी के लिए मालामाल बनने के लिए इससे अचूक कोई भी उपाय नहीं है। चांदी का कड़ा। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन मास के पहले सोमवार को यह लाकर रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ संयोग बनते हैं। चांदी का चंद्र या मोती। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजित है। अतः सावन मास के प्रथम सोमवार के दिन चांदी के चंद्र देव लाकर पूजन में रखें। अगर संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रहण की शांति करता है। इसे करने से चंद्र ग्रहण की शांति तो होती ही, साथ ही हमारा मन भी मजबूत और शांत होता है। चांदी के विल पत्थर। हम पूरे सावन में शिव जी को विल पत्थर अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार शुद्ध अखंडित विल पत्थर मिलना संभव नहीं होता। ऐसे में चांदी का महीन विल पत्थर लाकर प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करने से करोड़ों पापों का नाश होता है और घर में शुभ कार्यों का संयोग बनता रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी शिव जी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इन चीजों को अपने घर पहले सोमवार को ले आइए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी तरह के दुख दर्द
शिव जी जी हार लेंगे और आप पर अपार कृपा बरसेगी, आपके सभी बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी सोमवार को इनको करिए और फिर फायदा देखिए। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।